Very good morning to all. Today now we discuss about digestion and absorption of carbohydrate. In the previous class we discussed general chemistry of carbohydrate, definition of carbohydrate and classification of carbohydrate with suitable example and functions of carbohydrate we already discussed. Now from our topic, digestion and absorption of carbohydrate. आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखे कार्बोहाइड्रेट के कि अपन किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि द गिविंग एग्जांपल इज मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. ठीक है, अब अपना जो टुडे जो क्लास है आज अपना जो एम है वो क्या है कि किस तरीके से अपन ने कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया है. ठीक है, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन बॉडी किस तरीके से उसको अब्जॉर्ब करेगा और किस तरीके से उसको यूटिलाइज करेगा. Digestion is a process involving the hydrolysis of large and complex organic molecules of food stuff into smaller. अभी सिर्फ अपन ब्रीफ कर रहे हैं सुपरफिशियली, है ना. ठीक है, स्मॉलर एंड प्रिफेल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स विच कैन बी इजिली अब्जॉर्ब बाय द जी आई ट्रैक्ट फॉर यूटिलाइजेशन. डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन प्लांट. डायट्री कार्बोहाइड्रेट प्रिंसिपली कॉन्सिस्ट पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड. एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, डाइसेक्राइड सुक्रोज एंड माल्टोज, मोनोसेक्राइड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सुपरफिशियली ओवरव्यू, अपना की माउथ है, देन सलाइवरी अल्फा एमाइलेज सीक्रेट होगा. स्टोमक के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है. पैनक्रियाज के अंदर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है अल्फा एमाइलेज, एंड इंटेस्टाइन के अंदर डेक्सट्रिन माल्टोज आइसोमाल्टेज सुक्रोज एंड लैक्टोज का ब्रेक डाउन करने के लिए दीज आर एंजाइम ऑल्सो प्रेजेंट देयर. सुपरफिशियली डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन है कि डाइसेक्राइड है, अपन ने डाइट में लिया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में अपने पास क्या क्या, मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड तो डायरेक्ट कन्वर्टन हो जाएगा गैलेक्टोज या फ्रक्टोज या ग्लूकोज आपका. ठीक है, आपका जो डाइट्री सेक्राइड आपने अगर डाइसेक्राइड लिया है तो डाइसेक्राइड पहले मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होगा. ठीक है, पॉलीसेक्राइड है विद द हेल्प ऑफ डेक्सट्रिन, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू माल्टोज देन सर्कुलेशन. फर्स्ट है कि माउस के अंदर आएगा द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज बीइंग ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू शॉर्टर पॉलीसेकेराइड. आपको पॉलीसेकेराइड का ब्रेक डाउन करना, देन स्टोमच के अंदर होगा सलाइवरी एमाइलेज इनएक्टिवेटेड एंड नो फर्दर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर. ठीक है, नंबर थर्ड के क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फर्स्ट है माउथ है, देन आपका स्टोमच है, देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है. मेजोरिटी ऑफ स्टार्च डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ डाइसेकेराइड अकर हेयर द एंजाइम पैनक्रियाटिक एमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड एंड oligosaccharides. Then step number 4, the carbohydrate, the digestion of carbohydrate is completely by the enzymes attached to the breast border of the small intestine. ठीक है, here the disaccharide and oligosaccharide are break down into monosaccharides. Then large intestine में होगा आपका fiber and other ingestible carbohydrate are partially break down by bacteria to form short chain fatty acid and gases. The remaining fibers is थ्रो पीसेस के थ्रू रिमूवल हो जाएंगे. ठीक है, डाइजेशन इन माउथ, देन स्टोमच, देन आपका इंटेस्टाइन है, ये फर्दर एक्शन करेंगे, एक्शंस ऑफ पैनक्रेटिक एमाइलेज. सिंपल सा है कि अगर अपन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म करना है आपको, है ना, अपने पहले भी डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म एंड टर्शियरी मेटाबॉलिज्म. इन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टिंग इनटू मोनोसैकेराइड्स. सेम आप लिपिड के साथ में पढ़ेंगे तो क्या होगा, लिपिड्स कन्वर्टिंग इनटू फैटी एसिड. सेम प्राइमरी मेटाबॉलिज्म प्रोटीन, प्रोटीन कन्वर्टिंग इनटू एमिनो एसिड्स. देन कम इन टीसीए साइकिल, वी कॉल सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म. देन टर्शियरी मेटाबॉलिज्म ईटीसी, जहाँ पे आपका चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन. तो दीज आर सम एंजाइम्स, आपका माल्टोज है, आइसोमाल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, लिमिडेक्सिन है, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए अपने पास में एंजाइम्स अवेलेबल हैं. ठीक है, माल्टेज है, आइसो माल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, डेक्सट्रिनेज है. द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आपके पास तीन मैकेनिज्म रहेंगे, पैसिव डिफ्यूजन रहेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रहेगा एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी एटीपी. ओके, फर्स्ट डायग्राम है आपका डिफ्यूजन का है, सेकंड आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का है, थर्ड आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने को एटीपी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्योंकि अपन कहाँ जा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. दीज आर सम ट्रांसपोर्टर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, ग्लूट 5 एंड सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1. ठीक है,
फंक्शंस करता है इंडिविजुअल। ग्रुप वन है ब्रेन किडनी प्लेसेंटा में करेगा अपटेक ऑफ ग्लूकोज है। ग्रुप टू है वो लीवर पैनक्रेटिक बीटा सेल्स स्मॉल इंटेस्टाइन किडनी के अंदर करेगा रैपिड अपटेक ऑफ रिलीज ऑफ ग्लूकोज है। ग्रुप थर्ड है ब्रेन किडनी प्लेसेंटा। ग्रुप फोर है हार्ट स्केलेटन मसल्स एडिपोज टिश्यू है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए 5 एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी के लिए ऑल्सो SGLT1। डिसऑर्डर ऑफ क्या क्या डिसऑर्डर होंगे अगर आपका अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, तो इसको अपन बोलते हैं लैक्टोज डेफिशिएंसी। ठीक है, नाउ कम आवर टॉपिक। ठीक है, तो सुपरफिशियली अपना क्या, सुपरफिशियली ये कि अपना जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा अल्टीमेटली एक रीच गोल रहेगा कि जो भी है आपका कार्बोहाइड्रेट आपने इंटेक किया है वो किसमें कन्वर्ट होगा, मोनोसैकेराइड में। ठीक है, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होने के बाद आपके पास में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप माउथ आएगा पहले, फिर स्टमच आएगा, फिर आपका इंटेस्टाइन आएगा, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, वहां पे ब्रेकडाउन होगा और फूड का क्या होगा, अब्जॉर्बेंस होगा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं डिटेल में। कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी डाइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, सम टिश्यू एग्जाम्पल ब्रेन है, RBC है, गेट एनर्जी। और ठीक है, मोर ओवर ग्लूकोज इज द ओनली फ्यूल विच कैन बी ऑक्सीडाइज अंडर एनआरबी कंडीशन। क्या फॉर्मेशन होगा एनएआरबी कंडीशन में, ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, देयरफॉर ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज इवन मसल्स कैन ओपन एनर्जी ओनली फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, बिसाइड प्रोवाइडिंग एनर्जी कार्बोहाइड्रेट परफॉर्म सम अदर फंक्शंस आल्सो। सम कार्बोहाइड्रेट आर यूज इन द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट ऑफ टिश्यू। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर यूज टू सिंथेसाइज न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। सम कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द प्रोस्टेटिक ग्रुप ऑफ होमोन इम्यूनोग्लोबिन ब्लड ग्रुप एंड सेवस्टेंस। अब देख सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्लास है आपकी, कोई भी अगर आपसे पूछता सिर्फ अपने एक चीज बता पाते हैं कि प्रोवाइड एनर्जी। इसके अलावा क्या क्या फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट के, आपका स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, आपका सेल साइकिल चलेगा ना, सेल साइकिल में आपको नई सेल का फॉर्मेशन करना है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन करना है, तो आपको वहाँ पे किसका रिक्वायरमेंट है, न्यूक्लियोटाइड का रिक्वायरमेंट है। न्यूक्लियोटाइड पता है ना आपको, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड ना, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस में नाइट्रोजन बेस है ना, तो वहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे जो आपको डीऑक्सी मिलेगा, डीऑक्सी ग्लूकोज, डीऑक्सी शुगर मिलेगा, वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू प्रोवाइड होगा। तो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपको ये सब सारी चीज़ें इंक्लूड कर देनी कि प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, हेल्प करेगा, और हॉर्मोन्स के अंदर, इम्यूनोग्लोबिन के अंदर, ब्लड ग्रुप सबस्टेंस के अंदर कार्बोहाइड्रेट फंक्शन परफॉर्म करता है। डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट आर मोस्टली कंजर्व्ड इन द डाइट एज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन फूड। डायटरी पॉलीसेकेराइड्स इंक्लूड स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। डायटरी डाइसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड आर सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ओनली मोनोसेकेराइड्स कैन बी अब्सॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। लार्जर कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसेकेराइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डाइजेशन। फर्स्ट टाइम में बताया कि ओनली मोनोसेकेराइड कैन बी अब्सॉर्ब। सबसे पहले जो अपना एम है वो क्या है कि अपन जो भी पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड है इसको किसमें कन्वर्ट करें, मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करें, तभी आपकी बॉडी अब्सॉर्ब करेगी, अदरवाइज इनटेक नहीं करेगा। सेम पोजिशन जिसमें क्या होता है, आयरन होता है ना, आयरन अपने इंटेक किया प्लस थ्री फॉर्म में, कि आपकी बॉडी ओनली ऑन प्लस टू में ही उसको अब्सॉर्ब करेगा, फिर वापस से स्टोरेज कर लेगा प्लस थ्री के अंदर। तो अभी क्या होता है कि जैसे कि अगर किसी की भी डेफिशिएंसी है, विटामिन की, हॉर्मोन की, एंजाइम की, ठीक है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तीन कैटेगरी है, फर्स्ट है कि आपने डाइट में इंटेक ही नहीं किया है, है ना, फर्स्ट मेन पॉसिबिलिटी है ना, सबसे फर्स्ट अपने प्राइमरी से चलते हैं कि अपने डाइट में इंटेक नहीं किया, आपने विटामिन ए नहीं लिया, आपने कैल्शियम नहीं लिया, आपने आयरन नहीं लिया, तो अंडरस्टूड है कि डेफिशिएंसी रहेगा बॉडी में। ठीक है, सेकंड आता है कि आपने डाइट में तो इंटेक कर लिया है प्रॉपर, लेकिन आपकी बॉडी ने उसको अब्सॉर्ब नहीं किया है। ठीक है, अगेन फिर वही सिचुएशन आ गई अपने पास में, फिर से कोई ना कोई डिजीज कॉज करेगा, क्योंकि सेम कंडीशन है, आपने डाइट में ले लिया लेकिन बॉडी ने अब्सॉर्ब नहीं किया, तो फंक्शन तो कर ही नहीं पाएगा, आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड हुआ ही नहीं, सेकंड कंडीशन है। थर्ड में क्या होगा कि एक पर्सन ने डाइट में इंटेक भी किया है, ठीक है, उसकी बॉडी ने अब्सॉर्ब भी किया है, लेकिन वो प्रॉपर फंक्शनली नहीं हुआ एक्टिवेट। जैसे कि मैंने कहा कि फैट सोल्युबल विटामिन है,
ठीक है, फैट सोल्युबल विटामिन आपने डाइट में इंटेक किया, ठीक है, आपकी बॉडी ने अब्जॉर्ब किया, लेकिन उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए फैट अवेलेबल नहीं है बॉडी में, तो दे कैन ऑल्सो नॉट परफॉर्म फंक्शंस इन आर बॉडी। हो गया ना, थ्री सिचुएशंस, डाइट में आपने इंटेक नहीं किया, आपकी बॉडी ने अब्जॉर्ब नहीं किया, आपकी बॉडी ने डाइट में भी ले लिया, बॉडी ने अब्जॉर्ब भी कर लिया, लेकिन फिर भी उनको सबस्टेंस वहां पे अवेलेबल नहीं है कि उनको ट्रेवल करवा सके, वो मतलब सिंपल था कि फंक्शनली एक्टिवेट नहीं हुए, तो भी बॉडी में डेफिशिएंसी रहेगी, तो भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपको लिखेंगे आपकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर लिखेंगे, तो तीन आपके कंसेप्ट होने चाहिए कि या तो डाइटरी मेंटेक नहीं है, या फिर आपकी बॉडी ने अब्जॉर्ब नहीं किया। अब बेसिकली रीजन क्या है कि जब आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है ना, बॉडी ने अब्जॉर्ब नहीं किया, तो वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी कॉजेज है। फर्स्ट कॉजेज, तो अब जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट में देखें कि आपको पॉलीसेक्राइड को कन्वर्ट करना था मोनोसेक्राइड में, ठीक है, आपको माल्टोज को कन्वर्ट करना था, ठीक है, एंजाइम की डेफिशिएंसी है माल्टेज, ठीक है, अगर वहाँ पे एंजाइम नहीं है सफिशियंट कि उसका ब्रेक डाउन कर सके, तो भी क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी। अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी है वहाँ पे ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, तो भी आपकी बॉडी अजोर नहीं करेगा। सेकेंडरी में क्या होगा कि जैसे आपकी अपनी डाइट में क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो अब्जॉर्बेंस को इनहिबिट करते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि आयरन है, अपन क्या करते हैं, अगर आप डाइट में 20 mg आयरन लेते हैं, तो आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ 1 mg ही अब्जॉर्ब कर पाती है। रीजन क्या है इसके, अदरवाइज क्या है, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो अगर अपनी डाइट में 10 mg आयरन इंटेक करते हैं, तो उनकी 2 mg बॉडी अब्जॉर्ब कर लेता है। रीजन क्या है, रीजन ये कि अपनी जो डाइट है, इंडियन जो डाइट है, वहां पे ऐसे कुछ इनहिबिटर्स अवेलेबल हैं, ऐसे कुछ फैटिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड अवेलेबल है आपकी डाइट में, कि जो उसके अब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो इसलिए अपने को क्या करना, अपने को एक तो सेकेंडरी है कि आपको इंटेक 20 करना पड़ रहा, फिर आपकी बॉडी 1% अब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री में क्या है, वो अपने से ले भी हाफ रहे हैं और बॉडी जस्ट अब्जॉर्ब डबल कर रही है। तो अपनी डाइट में कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं अब्जॉर्प्शन को, क्लियर, ठीक है। अगर आपने डाइट में भी इंटेक कर लिया, आपकी बॉडी ने अब्जॉर्ब भी कर लिया, तो फिर कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो उसको फिजिकली एक्टिव फॉर्म में नहीं आने देते हैं, या प्रॉपर वो वहाँ पे सबस्टेंस उसको अवेलेबल नहीं हो पाते। जैसे अपने एग्जाम्पल दिया कि फैट सोलबल विटामिन है, अब्जॉर्ब भी कर लिया बॉडी ने, लेकिन उसको ट्रैवल करवाने के लिए आपके पास सफिशेंट फैट अवेलेबल नहीं है, तो आपकी बॉडी में अंदर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे वो, क्लियर। सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई ह्यूमन बींग्स, बट इज प्रेजेंस इन फूड इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सेलुलोज स्टिमुलेट क्रिस्टलिस्ट एंड हेल्प इन द बोल मूवमेंट। एंजाइम दैट कैन बी डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन सलाइवर, ये आपका पैनक्रियाटिक जूस है और इंटेस्टाइनल। सलाइवर कंटेंट एमाइलेज विच कैन हाइड्रोलाइज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्मॉल एज फूड स्टे इन द माउथ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। इसीलिए अपन क्या करते हैं, जैसे जो भी चाइल्ड होता है उसको अपन बोलते हैं कि जितना आपको फूड को च्यूंगम करेंगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट रियली बींग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाटिक एमाइलेज हाइड्रोलाइज द इंटरनल एल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, इट एक्ट एज एनर्जेटिकली पीएच फॉर्मिंग माल्टोज आइसोमाल्टेज एंड माल्टोट्राइज। अपन ने क्या पढ़ा था कि अपन ने पढ़ा था कि जैसे कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होना है ना, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, आपने पॉलीसेक्राइड के अंदर दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे अपन ने, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड इज सेम टाइप ऑफ यूनिट अटैचमेंट एंड हेटेरो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट अटैचमेंट। जब सेम टाइप ऑफ अटैचमेंट है तो उनके बिटवीन में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड था, एल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। जैसे ही ब्रांच बन गया एल्फा 1,6 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन बात करें कि जब आपको डाइट में आपने पॉलीसेक्राइड लिया है, अब हमारे को पॉलीसेक्राइड को किसमें कन्वर्ट करना है, पॉलीसेक्राइड कन्वर्टिंग इनटू मोनोसेक्राइड। अपन क्या करेंगे कि जो अल्फा 1,4 जो बॉन्ड है उनको अपने को ब्रेक करना है। जब आपको अल्फा 1,4 बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो आपको कुछ ऐसा सबस्टेंस ऐसा एंजाइम लेके आना पड़ेगा वहां पे कि जो अल्फा 1,4 को ब्रेक डाउन करे। वो एंजाइम कहाँ पे है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, ठीक है। ये क्या करेगा कि आपका जो इंटरनली जो बॉन्ड है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा भाई। वो ब्रेक करेगा तभी तो पॉलीसेक्राइड कन्वर्टिंग इनटू मोनोसेक्राइड, और अपने को रिक्वायरमेंट भी क्या है, मोनोसैकेराइड का, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ मीडियम्स होते हैं अपनी बॉडी में, एल्कली मीडियम, एसिडिक मीडियम। एंजाइम्स का फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस ऑफ एंजाइम इन आर बॉडी,
आपकी जो बायोलॉजिकल जो रिएक्शन है ना, वो बॉडी टेम्परेचर पर ही वो उसको परफॉर्म करवाएगा। हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको माइनस टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको +100 तक जाना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको अभी ग्लाइकोलिसिस करवाना सपोज कीजिए और आपको वहाँ पे 100 टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा थोड़ी कि अंदर अपन लाइटर जला के बैठेंगे कि अभी ये चल रहा है। तो वो फंक्शन कौन परफॉर्म करवाएगा? एंजाइम फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे, कि जो बायोलॉजिकल जो रिएक्शन है आपकी वो किस पे फंक्शन हो जाए, बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ही फंक्शनेबल हो जाए। तो वो फंक्शन कौन करेगा? अपना एंजाइम करेगा। जैसे यहाँ पे क्या किया एंजाइम ने, पॉलीसेक्राइड के अंदर α1,4-ग्लाइसेटिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया। पेनक्रेटिक एमाइलेज डज नॉट एक्ट ऑन द टर्मिनल α1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इट ऑल्सो डज नॉट एक्ट ऑन α1,6-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट एट द ब्रांच पॉइंट। ठीक है, जैसे ही आपका ब्रांच बनेगा, आपने देखा कि वहां पे α1,6 है, बाकी सारे जो चेन के अंदर वो क्या है, α1,4 है। जैसे ही ब्रांच बनेगा 1,6 बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा। इंटेस्टाइनल सिक्रेशन कंटेन वेरियस डाइसेक्राइड्स, माल्टेज, आइसो माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। माल्टेज हाइड्रोलाइज माल्टोज एंड माल्टराज इनटू द ग्लूकोज। आइसो माल्टेज α1,4-ग्लाइकोसिडिक हाइड्रोलाइज होगा वहां पे, सुक्रेज है हाइड्रोलाइज सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, लैक्टोज है हाइड्रोलाइज लैक्टोज एंड ग्लूकोज इन गैलेक्टोज। हेरिडेटरी लैक्टेज डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन कैन कॉज लैक्टोज इंटॉलरेंस। एक्वायर्ड लैक्टेज डेफिशिएंसी कैन अकर इन एडल्ट। लैक्टेज डेफिशिएंसी कैन कॉज डायरिया एंड फ्लूटुलेंस ऑफ इंजेक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, दिस द मेजर प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। स्मॉल अमाउंट ऑफ मैनोज राइबोज जाइलुलोज एंड मे ऑल्सो बी प्रेजेंट इन फूड। ये तो था आपका आपकी डाइजेशन। ठीक है, जो जो एंजाइम्स का आपको रिक्वायरमेंट है, पॉलीसेक्राइड कन्वर्टिंग टू मोनोसेक्राइड, अब है कि आपकी बॉडी किस तरीके से अब्जॉर्ब करेगा। मोनोसेक्राइड आर अब्जॉर्ब मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पर्पज ऑफ अब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइनल टू सर्कुलेशन। फ्रॉम ब्लड दे आर टेक अप एंड यूटिलाइज बाय द टिश्यू। हमने क्या किया, हमने फूड को डाइजेस्ट कर लिया है पॉलीसेक्राइड कन्वर्टिंग इनटू मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, है ना। अब ग्लूकोज को अपना फंक्शन परफॉर्म करना है ना, ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होगा वो ग्लूकोज का, जो भी करना है अपने को, ग्लाइकोलिसिस करना है अगर आपको रिक्वायरमेंट है एटीपी का, या फिर आपको फैट के अंदर स्टोर करना कि ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू फैट है, तो बट एवर जो भी अपने को फंक्शन करना है वो ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, देन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। मोनोसेक्राइड आर अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द ल्यूमन टू इंटेस्टाइनल इनटू द म्यूकोजल सेल्स। फ्रॉम म्यूकोजल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन दे आर डिलीवर्ड इन पोर्टल सर्कुलेशन। देर आर टू मैकेनिज्म फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ मोनोसेक्राइड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन द मोनोसेक्राइड शुड हैव, अब अपने को कंटेंट में क्या रखना है कि आपको ये रखना है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होगा, एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, अब जो एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है अपन वहाँ क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं कि जो आपकी हायर कंसेंट्रेशन है उसके अगेंस्ट अपन जा रहे हैं लोअर कंसेंट्रेशन में, तो आपको एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, सपोज कीजिए अपना पूरा स्लोप बना हुआ, अगर मैं पीछे से किसी बॉल को पुश करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, किसी भी एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट जाएंगे तो अपने को वहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगा, एटीपी आपको देना पड़ेगा। एनर्जी स्पेंड फॉर मूविंग द कंपाउंड फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन। ए कैरियर इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट द प्रोसेस इज, अब सबसे मेन इन्होंने बताया कि आपको कैरियर का रिक्वायरमेंट है। अगेन डेफिशिएंसी कब हो जाएगी, फर्स्ट तो डेफिशिएंसी तभी होगी आपने डाइट में नहीं लिया, सेकेंडरी डेफिशिएंसी कब होगी जब आपके पास में एंजाइम नहीं है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, और थर्ड डेफिशिएंसी कब होगी कि बॉडी ने अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कैरियर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल नहीं है अपने पास में। सपोज कीजिए आपके पास में ग्लूट ट्रांसपोर्टर नहीं है, ग्लूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, तो क्या होगा, तो भी डेफिशिएंसी रहेगी। तो दीज आर थ्री क्लासिफाइड डेफिशिएंसी, है ना। तो अगेन है कि अगर यहाँ पे आपको कैरियर नहीं मिलता है तो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ग्लूकोज इज अब्सॉर्ब्ड एक्टिवली फ्रॉम द इंटेस्टाइन ल्यूमन इनटू द म्यूकोजल सेल्स बाय सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर SGLT1। दिस प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन हैज टू बाइंडिंग साइट, वन फॉर सोडियम एंड अदर फॉर ग्लूकोज।
सोडियम एंड ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ल्यूमन बाइंड टू SGLT1। देखिए किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है। सिक्स क्लास अपन पढ़ते हैं इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में आता है, ATP का रिक्वायरमेंट रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पे दो चैनल आपके पास में, एक सोडियम के लिए एक ग्लूकोज के लिए। कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमन वाज हायर, सोडियम इज ट्रांसपोर्ट इन द म्यूकोसल सेल्स डाउन इट्स कंसेंट्रेशन ग्रेडिएंट, एट द सेम टाइम ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्ट इन टू द म्यूकोसल सेल्स अगेन इट्स कंसेंट्रेशन ग्रेडिएंट। हाउएवर ए राइज इन सोडियम कंसेंट्रेशन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज फिजियोलॉजिकली इंटॉलरेंस, टू कीप द इंट्रासेलुलर सोडियम कंसेंट्रेशन लो, सोडियम एक्टिवली पंप आउट द सेल्स अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडिएंट, फॉर एवरी थ्री सोडियम आयन पंप आउट टू पोटेशियम आउट गो इन द सेल्स। क्या हो रहा है यहाँ पे कि सोडियम पोटेशियम आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। थ्री सोडियम रिलीज होगा, टू पोटेशियम एंटर करेगा, ठीक है। इजेक्शन ऑफ सोडियम अगेंस्ट इट्स कंसेंट्रेशन ग्रेडिएंट रिक्वायर्ड एनर्जी विच इज प्रोवाइड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP इनटू ATP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP इज कैटालाइज्ड बाय मेम्ब्रेन बाउंड सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज ATPase। The energy is really spent to maintain sodium homeostatic, which is distributed during the transportation of glucose into the mucosal cells. The systems that eject sodium ion in exchange for potassium ion is also known as sodium potassium pump. ठीक है, सबसे मेन होता है कि सपोज कीजिए अगर कोई लॉन्ग टाइम फास्टिंग है, 7 days, 10 days, अब क्या होगा कि जैसे ही आप लॉन्ग टाइम फास्टिंग होता है, सबसे पहले उसको डाइट में क्या इंटेक करना है, कार्बोहाइड्रेट। क्या देंगे अपन कार्बोहाइड्रेट, भाई लॉन्ग टाइम फास्टिंग है, 7 days, 10 days, ठीक है। सबसे बेटर है कि आपको उसको क्या रिक्वायरमेंट है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट में, फैट में, प्रोटीन में। मैक्सिमम प्रोटीन में होता है, देन लिपिड में होता है, देन कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए लॉन्ग टाइम फास्टिंग है ना, 10 to 15 days है, 1 month है, अब उसको ATP का रिक्वायरमेंट है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, आप क्या देना प्रेफर करेंगे, क्यों एग्जैक्टली क्या होता है कि फूड होता है उसका SD होता है, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, ठीक है। जब अगर आपने उसको प्रोटीन दिया है, कोई भी जो फूड आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड आपने दिया है, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए, अब्जॉर्प्शन करने के लिए आपको ATP का रिक्वायरमेंट है। अपने को पता है कि अभी जो पर्सन है उसके पास में ATP की डेफिशिएंसी है, एनर्जी का डेफिशिएंसी है। अगर आपने उसको प्रोटीन दिया है तो प्रोटीन को मैक्सिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, देन लिपिड को, देन कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट में भी अपन क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट में भी अपन उसको मोनोसैकेराइड देना प्रिफर करेंगे, लाइक मिल्क दे दिया आपने शुगर है ना, या फिर आपने जूस दे दिया है, क्योंकि रीजन क्या है, अगर आपने लॉन्ग टर्म फास्टिंग था और आपने उसको डायरेक्ट प्रोटीन दे दिया कि प्रोटीन के अंदर मैक्सिमम कंटेंट होता है एनर्जी का, तो जो बॉडी है उसको अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, यूटिलाइजेशन तो बाद में होगा, क्योंकि आपको पहले फूड को क्या करना है, पहले आपको फूड के साथ में ATP लॉस करना है वहाँ पे, है ना, फंक्शन करना है फूड को पहले, उससे अगर आपको ATP का रिक्वायरमेंट है तो आप डाइजेशन होगा, फिर अब्जॉर्प्शन होगा, वहाँ पे आपका ATP का लॉस होगा। लेकिन अभी अपने पास में सफिशियंट अमाउंट में ATP नहीं है बॉडी में, तो अपन प्रोटीन नहीं दे सकते वहाँ पे, अपन सूटेबल प्रेफर ये करेंगे कि आप पॉलीसैकेराइड भी ना देके उसको मोनोसैकेराइड दे दें, सिंपलेस्ट फॉर्म है, जूस पिला देते हैं अपन सबसे पहले, है ना। या आपने न्यूज़पेपर में या कभी भी देखा होगा, अगर कुछ भी ऐसा अनसन या कुछ भी होता तो क्या देते हैं उसको, सबसे पहले जूस ही देते हैं ना, उसका फंक्शन यही है। दूसरा क्या होता है, जैसे अगर कोई भी है तो क्या होता है कि जैसे कि न्यूज़पेपर में आ जाता है कीटोन बॉडी कम इन यूरिन 7 days, 10 days आफ्टर। अब कीटोन बॉडी कम इन यूरिन ये हेडलाइन आ गई, इसका मतलब क्या है कि बॉडी का कार्बोहाइड्रेट जो है वो फिनिश हो चुका है। अब क्या होगा, यानी कि लिपिड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो गई है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर कोई लॉन्ग टर्म फास्टिंग है तो अपन सबसे पहले उसको प्रिपेयर करते हैं मोनोसैकेराइड, क्लियर।
galactose is absorbed similarly by SGLT1. The transport is disrupted by aquabin, which inhibits the sodium pumps. The transport is also disrupted by the origin, which displaces sodium from the enter, facilitates diffusion acute down the concentration gradient. Carrier is required. No energy is required. आपको जो कैरियर प्रोटीन है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में दोनों ही कंडीशन में रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एटीपी का भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं है. फ्रक्टोज इज अब्सॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन टू ए लोअर कंसंट्रेशन. द कैरियर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांसपोर्टेशन इज जीएल टू ग्लूट 5, विच इज प्रेजेंट ऑन द ल्यूमिनल साइड ऑफ द सेल्स मेम्ब्रेन एंड म्यूकोजल सेल. Another transporter, GLUT2, is present on the contract luminal side of the cell membrane, which can transport glucose, galactose, and fructose across the membrane by facilitated diffusion. When the concentration of these monosaccharides increase in the mucosal cells following absorption, they are transported into capillary by GLUT2 down their concentration gradient. इस तरीके का mechanism sodium potassium pump का कि sodium है. सोडियम जैसे ही एंटर करेगा साथ में ग्लूकोज को लेकर एंटर करेगा और दूसरी साइड से आपने देखा कि पोटेशियम है, वो सोडियम एंटर हो गया है वहाँ पे म्यूकोजल सेल्स में. ठीक है, अब सोडियम को रिमूव होना है वहां से. सोडियम कम्स इन कैपिलरी देन टू पोटेशियम एंट्री, है ना. जैसे ही सोडियम आउट होगा, दो तीन सोडियम आउट हो रहे हैं वहां से, टू पोटेशियम एंट्री ले रहे हैं वहां पे. फ्रक्टोज के लिए ग्लूट 5 है वहां पे, ग्लूकोज के लिए SGLT1 है आपका. ठीक है, ग्लूट 2 है. द मोनोसैकेराइड रिलीज फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोजल्स इनटू कैपिलरीज एंटर पोर्टल वेन. द फर्स्ट डेस्टिनेशन इज लीवर. ऑल पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर प्रेजेंट इन लीवर. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज फ्रक्टोज कैन बी कन्वर्टिंग इनटू अदर इन लीवर. एक्सेस ग्लूकोज can be stored in liver as glycogen. Non-carbohydrate can be converting to glucose in liver. Liver also release glucose in system circulation. आपने क्या किया कि food का digestion हुआ, absorption हुआ carbohydrate का, अब जो site है वो कहाँ होगा, liver के ऊपर रहेगा main focus. वहाँ से जिधर भी आपको divert करना है, अगर excess amount में अपने पास में glucose है, आपको glycolysis करवाना है या फिर आपको glycogen की form में store करना है, ठीक है, वो सब सारे functions कहाँ पे होंगे, लीवर के थ्रू होंगे. अब क्योंकि हमने क्या किया कि हमने फूड को मेटाबॉलाइजेशन करके अब्सॉर्प्शन करके लीवर पे हैंड ओवर कर दिया अपन ने, है ना. अब जैसे भी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगा, सपोज कीजिए अपने फास्टिंग में आपने फूड को इनटेक किया था, तो अपने को एटीपी का रिक्वायरमेंट है, तो ग्लाइकोलिसिस होगा, है ना. जब ग्लाइकोलिसिस कम्प्लीट है, एटीपी सफिशियंट है, बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अभी भी अपने पास में एक्सेस ग्लूकोज अवेलेबल है, फिर क्या होगा. सबसे मेन है कि आपका एक क्वेश्चन आएगा रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज. रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज में क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज में ये कि आपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया, ठीक है, अब्सॉर्प्शन होकर लीवर के पास में आ गया, अब आप किस तरीके से रेगुलेट करेंगे. अब रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज या ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन वो अकॉर्डिंग होता है कि बॉडी की कंडीशन क्या है, फास्टिंग कंडीशन है या पीपी कंडीशन है, है ना. अब फास्टिंग कंडीशन है तो वहां पे कौन कौन से हॉर्मोन्स एक्टिवेट है. फास्टिंग कंडीशन तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे ग्लूकागोन एक्टिवेट है, इंसुलिन इनएक्टिव है, बाकी सारे एक्टिव हैं वहाँ पे, ठीक है. अब जब आपने फास्टिंग कंडीशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया है और वहाँ पे कौन एक्टिवेट है, ग्लूकागोन एक्टिवेट है, तो ग्लूकागोन वो सारे पाथवे तो इनहिबिट कर देगा जिनसे ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, और ग्लूकागोन वो सारे ही पाथवे एक्टिवेट रखेगा जिनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा. लाइक जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, तो ग्लाइकोलिसिस ग्लूकागोन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज हो रहा है फास्टिंग कंडीशन में, और रोल प्ले कौन कर रहा है यहाँ पे, हार्मोनल रेगुलेशन हो रहा है ग्लूकागोन, ठीक है. अपोजिट अगर लेते हैं अपन एग्जांपल कि पीपी कंडीशन है, पोस्ट पेरेंडल है, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट था एटीपी का वो सफिशियंट अमाउंट अपने को अवेलेबल हो गया है, लेकिन फिर भी अपने पास में एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज अवेलेबल है. अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी इंसुलिन एक्टिवेट होगा, बाकी सारे जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, जिनसे ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा था, वो सब सारे क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे. अब यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन कौन करेगा, इंसुलिन करेगा, और इंसुलिन वो सारे पाथवे एक्टिवेट कर देगा जिनसे ब्लड ग्लूकोज लेवल डिप्लेटेड होगा, ब्रेकडाउन होगा, और वो सारे पाथवे इनहिबिट कर देगा जिनसे ब्लड ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था, लाइक ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ग्लूकोनियोजेनेसिस,
नॉन कार्बोहाइड्रेट से, और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन जो आपने स्टोर कर रखा था है ना, प्रिजर्वेटिव के रूप में था अपने पास में, कि जब अपने को रिक्वायरमेंट होगी ग्लाइकोजन कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज, वो भी इंसुलिन क्या कर देगा, इनहिबिट करेगा। तो ये क्या हुआ, हॉर्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। क्लियर। अब आपको क्या क्या, देखो आज का जो अपना क्लास था उसका एम ये है कि आपका जो डाइजेशन है फूड का, उसमें कौन कौन से एंजाइम रोल प्ले करेंगे, ठीक है, कौन कौन से पार्ट रोल प्ले करेगा। माउथ है यहाँ पे, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, कौन कौन से एंजाइम्स का आपको रिक्वायरमेंट है और उसका प्रोसेस क्या है। यहाँ पे जैसे कि अपन ने देखा कि भाई पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपको ये सारे एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट है। जब आप उसको बॉडी अब्जॉर्ब करेगी तो साथ में आपको एक कैरियर ट्रांसपोर्टेशन का भी रिक्वायरमेंट होगा। कैरियर ट्रांसपोर्ट की अगर डेफिशिएंसी है तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, वहां पे डेफिशिएंसी हो जाएगा। और कोई कंफ्यूजन किसी को, जनरल केमिस्ट्री से लेकर लास्ट तक हो गया आपका, यानी कि क्लासिफिकेशन हो गया, डेफिनेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया विद सुटेबल एग्जांपल, और अपना किस तरीके से आपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया था और किस तरीके से अपने बॉडी उसको ऑब्जर्व करेगी। तो ये हुआ अपना जनरल केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेम प्रोसेस आप लिक्विड का पढ़ेंगे, सेम ही प्रोसेस आप प्रोटीन का पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन है, डेफिनेशन है, फिर किस तरीके से बॉडी ऑब्जर्व करेगी और किस तरीके से बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट होगा। अब इससे आगे जो होता स्टार्ट हुआ होता मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमारी बॉडी ने, हमने डाइट में इंटेक कर लिया है, बॉडी ने स्टोर हो गया कार्बोहाइड्रेट, अब हमें इसका मेटाबॉलिज्म करना है। आपको ग्लाइकोलिसिस करना है, एचएमपी स्टंट करना है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करना है, टीसी साइकिल चलाना है, वो सब सारा किस कैटेगरी में आएगा, मेटाबॉलिज्म की कैटेगरी में आएगा। यानी कि फूड को अपने इंटेक कर लिया है, अब किस तरीके से इसको मेटाबोलाइज करना है, बॉडी के अंदर कौन कौन से पाथवे होंगे, वो सारा पार्ट किस में आता है, मेटाबॉलिज्म में आता है। देन क्या था इसके अपोजिट में, कि अगर कोई आपसे आइडेंटिफिकेशन करवाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ग्रुप टेस्ट कौन सा है, मोलिस टेस्ट इज द ग्रुप टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है, द गिवन सॉल्यूशन इज मे बी कार्बोहाइड्रेट, मे बी प्रोटीन, मे बी लिपिड। अगर आपने मोलिस टेस्ट परफॉर्म किया है, मोलिस टेस्ट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स गिवन सॉल्यूशन इज कार्बोहाइड्रेट, है ना। देन आपको क्या करना है, आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे अपन, है ना। बाकी जो बैचों ने नहीं किया है वो अभी चलेगा आपका प्रोसेस में, है ना। आयोडीन टेस्ट आपने परफॉर्म कर लिया, ठीक है, आयोडीन सेम दो पॉसिबिलिटी आएंगी, आयोडीन पॉजिटिव, आयोडीन नेगेटिव। आयोडीन पॉजिटिव मीन्स पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। अब आयोडीन नेगेटिव मीन्स मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड है। अब आयोडीन पॉजिटिव है, लेकिन आयोडीन में भी क्लासिफाई कैटेगरी है, स्टार्च या फिर डेक्सट्रिन है या फिर ग्लाइकोजन है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, हाफ सेचुरेशन एंड फुल सेचुरेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, है ना। फिर अकॉर्डिंग टू कलर, ब्लू कलर आ रहा है, रेड इज वायलेट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्लासिफाई कर देते हैं कि कौन सा टेस्ट आपका है। तो अभी तक अपना प्रैक्टिकल सेशन में ये हुआ है, ठीक है। आयोडीन अगर आपका नेगेटिव आता है, दैट मीन्स आपके पास में मोनोसेक्राइड है और डाइसेक्राइड है। अब आपका आयोडीन फिर से क्या आ गया, सॉरी, नेक्स्ट अपन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, नहीं इन्वर्जन, डायरेक्ट इन्वर्जन नहीं करेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे। बेनेडिक्ट टेस्ट सेम दो पॉसिबिलिटी आएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आपका बेनेडिक्ट नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स सॉल्यूशन में बी नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड। कौन सा है नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड, सुक्रोज। अब देखिए तीन दो लाइन क्लियर हो गया आपका, फर्स्ट तो पॉलीसेकेराइड, सेकेंड आपका नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड। अगर आपका बेनेडिक्ट नेगेटिव है, दैट मीन्स द गिवन सॉल्यूशन इज नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड। लेकिन अभी अपन कंफर्म नहीं है, आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। सुक्रोज की क्या प्रॉपर्टीज है, इन्वर्ट शुगर, है ना। तो अपने को क्या करना है, वहां पे इन्वर्जन टेस्ट परफॉर्म करना है। जब आपका इन्वर्जन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स अपन कंफर्म है, अब अपन कोट कर सकते हैं द गिवन सॉल्यूशन इज सुक्रोज। वापस से आ जाओ बेनेडिक्ट पे, बेनेडिक्ट आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव, दैट मीन्स द सॉल्यूशन मे बी मोनोसेक्राइड एंड मे बी रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड, है ना। देन अपन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, बारकोड टेस्ट परफॉर्म करेंगे आप, सेम पॉसिबिलिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आपका बारकोड नेगेटिव आता है, दैट मीन्स द गिवन सॉल्यूशन इज रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड। और फिर अपन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, अब रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड कौन कौन सी है, माल्टोज है,
लैक्टोज है आपका, ठीक है। अब फिर से आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है, बारकोड आपका नेगेटिव आया है, मीन्स द गिंग सोल्यूशन इज रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है। कन्फर्मेटरी टेस्ट अपन कैसे करेंगे, अपन ओसाजोन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्रिस्टल ऑफ ओसाजोन है ना। ओसाजोन में अपन क्या देखेंगे, किस टाइप का क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक पफ से बन रहा है, दैट मीन्स सनफ्लावर से माल्टोज है ना। दूसरी तरफ अपना क्या था, बारकोड टेस्ट पॉजिटिव, बारकोड टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है, सिर्फ एक ही कैटेगरी बची है अब तो अपने पास में, मोनोसैकेराइड। फिर आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना कि ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है, तो उसके लिए अपन सेलिनो टेस्ट परफॉर्म करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा उसके अंदर अपन आइडेंटिफाई कर देंगे कि ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है। तो ये एक्सरसाइज करनी है आपको कार्बोहाइड्रेट में। आई थिंक अब जनरल केमिस्ट्री में सब कुछ आपका अंडरस्टूड हो गया ना, क्या क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल में उसको आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी, किस तरीके से बॉडी उसको ऑब्जर्व करेगी। अब फर्दर नेक्स्ट लेवल आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी जनरल केमिस्ट्री में किसी को कन्फ्यूजन है, एनी डाउट? अभी डाउट नहीं रहता ना, जब एग्जाम टाइम आता है फिर आते हैं कि सर टिक मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा दो, तब मेरे पास नहीं रहेगा। एनीवेज सिंपल था मेरे ख्याल से पूरा, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर फिर भी है तो आप डिपार्टमेंट में कभी भी किसी से भी कर सकते हैं। मेन जो फोकस हो मेरा है कि क्योंकि जब तक आपका बेस है ना वो पावरफुल नहीं होगा तब तक अपन नहीं जा पाएंगे फर्दर। अगर आप जनरल केमिस्ट्री वाले कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अपन आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आपको पता कि ग्लाइकोलिसिस होना है, लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि बॉडी में ग्लूकोज आया कहाँ से है, तो अपन कैसे मेटाबॉलिज्म को रीड आउट करेंगे। फिर आपके माइंड में ये चलेगा कि सुक्रोज कहाँ गया है ना, या फिर जो स्टार्च लिया था डाइट में उसका तो मेटाबॉलिज्म है ही नहीं है ना। आफ्टर मेटाबॉलिज्म आप कहेंगे सर आपने ग्लूकोज को तो कर दिया पाइरूवेट के अंदर, कन्वर्ट इसी साइकिल के अंदर आ गया, लेकिन आप तो मेरे को ये बताइए कि जो स्टार्च डाइट में लिया था वो कहाँ है, स्टार्च वाला ग्लाइकोलिसिस नहीं मिल रहा मेरे को है ना। लेकिन जनरल केमिस्ट्री में हमें बता दिया कि स्टार्च ऑल्सो कन्वर्टिंग इंटू मोनोसैकेराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है आपकी, इसमें क्या इशू है, ठीक है, माइंड रेडी करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से लिया आपने? हाँ तो वो एक्सचेंज भी कर देगा अगर आप चाहो ना, तो बाकी ऐसे कुछ नहीं है इसके अंदर दिक्कत। 2019 का एडिशन है ना ये, तो अभी चल भी नहीं रहा है, 10 थोड़ी आया अभी, आ गया उन्होंने नहीं, उसके अकॉर्डिंग आया था, नियम सेम कैरिकुलम के अकॉर्डिंग। उसका अलग नहीं, उसका क्या होता है कि आपका एस डी होता है पर फूड का, उसे डायनामिक एक्शन कि अगर आपने जो फूड लिया है उसको बॉडी ने आपका कितना अब्जॉर्ब करने के लिए कितना एनर्जी का वेस्ट हुआ है, तो मिनिमम होता है कार्बोहाइड्रेट का। अगर आपने 100 कार्बोहाइड्रेट लिया ना तो आपकी बॉडी का अराउंड 95% नेट गेन हो जाएगा, ठीक है। सेम लाइक कि अगर आपने लिपिड लिया है तो 13% है और प्रोटीन का 30% है, ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, कंटेंट होता है, अमाउंट हो ज़्यादा होता है, अभी क्लियर कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर कोई इशू नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर वो करते तो बेहतर है, आप नए वाले बोलो, ऐसा कुछ नहीं कर देते हैं वो लोग है ना। वन क्वेश्चन कम्स फ्रॉम, सपोज कीजिए आपके पास में तीन कैटेगरी है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड है ना। एक होता है आपका नेट गेन, सपोज कीजिए आपने 100 mg कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया तो आपकी बॉडी को जो नेट गेन है ना वो 95% होगा और 5% क्या होगा उसको एनर्जी लॉस होगा। सेम लाइक आपका लिपिड है, लिपिड का कितना है 13%, तो आपका क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा और अराउंड आपको 87 नेट गेन होगा।
प्रोटीन का कितना, प्रोटीन का 30% है, 70% आपको मिल रहा है, 30% क्या हो रहा है उसको डाइजेस्टेड करने के अंदर अपना लॉस हो रहा है। तो इस अकॉर्डिंग तो आपके माइंड में ये होगा कि जो नेट मैक्सिमम गेन, मैक्सिमम जो एनर्जी इंटेक करेंगे वो अपन किससे करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से करेंगे, बिल्कुल ठीक है आपका। लेकिन जो प्रोटीन्स होता है ना, प्रोटीन के अंदर जैसे सपोज कीजिए आपने 100 mg कार्बोहाइड्रेट लिया है, 100 mg आपने लिपिड लिया है और 100 mg आपने प्रोटीन इंटेक किया है, तो जब अपन उसका अमाउंट देखेंगे ना, तो जो एनर्जी आपको प्रोवाइड होगी ना, मैक्सिमम कंटेंट जो एनर्जी है वो कहाँ पे है, प्रोटीन के अंदर है। ये क्लियर है कि प्रोटीन को आपको डाइजेस्ट करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी का लॉस होता है, 30% का लॉस होगा भाई। इसीलिए तो अपन कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, अगर कोई लॉन्ग टाइम फास्टिंग है इसीलिए तो आपने उसको कार्बोहाइड्रेट, आपने जूस, आपने मोनोसैकेराइड दिया है कि इनिशियली क्या होगा, बॉडी में एनर्जी तो है ही नहीं, 5% ही आपने को लॉस करना है, तो 5% अब आपको अगर मेटाबॉलिज्म करना है प्रोटीन का करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सन के अंदर 30% एनर्जी है अवेलेबल या नहीं है जो उसको मेटाबोलाइज कर दे। लिपिड दे रहे हैं तो अपन 13% का रिक्वायरमेंट है और कार्बोहाइड्रेट अपन दे रहे हैं तो 5% है। पर्सन क्या है, पर्सन फास्टिंग कंडीशन में 10 to 15 days सबसे सुटेबल कौन सी डाइट है, कार्बोहाइड्रेट, ये वाला कंसेप्ट है। क्लियर?